क्या थी गजनी की स्टोरी, क्या चेंजेस हुए थे प्लॉट्स में, क्या होगा गजनी 2 के प्लॉट सीन में। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, बॉलीक्रैट स्टूडियोज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए मैं सिमरन, और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आमिर खान की अपकमिंग मूवी गजनी 2 के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और अपडेट्स। तो इन सबको जानने के लिए हमारी वीडियो को एंड तक देखना बहुत ही जरूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने के बाद कहीं आप ये ना भूल जाए इसलिए मैं बता दूं कि हमारे बॉलीवुड की सबसे लेटेस्ट अपडेट्स और मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल बॉलीक्रैट स्टूडियोज को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन ही रखें। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। साल 2008 में रिलीज हुई गजनी मूवी के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसी मूवी है जिसने हम सबको पूरी तरह से पागल ही कर दिया। आमिर का जबरदस्त लुक, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन और आसिम के साथ उनकी लाजवाब एक्टिंग और एआर रहमान का काउंटलेस म्यूजिक डायरेक्शन एंड कंपोजिशन, सब कुछ मिलके एक रॉयल सिलेक्शन जैसा बन गया था, जैसा शायद ही पहले कभी बना हो। मगर 12 सालों बाद एक बार फिर देखने को मिल सकता है ये वर्ल्ड क्लास कलेक्शन और फिर से फिल्म का अगला पार्ट तोड़ सकता है बॉलीवुड के सभी रिकॉर्ड्स। जी हाँ, एक बार फिर से बनने वाली है फिल्म गजनी कुछ पुरानी और कुछ नई स्टोरीज के साथ। कुछ किरदार छूट जाएंगे, कुछ किरदार बरकरार रहेंगे, वही कुछ नए किरदार भी जुड़ सकते हैं। हाल ही में गजनी 2 के सेट से पोस्ट हुआ है एक फोटो जिसमें हमें आमिर खान का एक बिल्कुल नया रूप दिख रहा है और जिसमें आमिर एकदम सूटेड बूटेड है और देख के कोई बिजनेसमैन का कैरेक्टर लग रहा है। इससे तो इतना कह सकते हैं कि गजनी 2 में आमिर खान को हम फिर से द ग्रेट बिजनेसमैन संजय सिंघानिया के रोल में देखेंगे और जिसमें शायद वे अपने अनुष्या के प्रॉब्लम पूरी तरह से उभर चुके होंगे। पर क्या आपको पता है कि गजनी मूवी एक रीमेक है और आमिर खान ने इस मूवी के क्लाइमेक्स को एकदम से बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आमिर खान की मूवी गजनी एआर मुरुगदास की ही तमिल मूवी का रीमेक है जिसमें साउथ मूवी के एक्टर सूर्या आसन और नयनतारा को लीड रोल में कास्ट किया गया था। और ये मूवी 2005 में केवल 7 करोड़ के बजट में बनकर रिलीज हुई थी मगर पूरे 50 करोड़ का इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। वहीं दूसरी ओर आमिर खान की गजनी ने जब 2008 में एंट्री मारी तो पूरे 68 करोड़ का खर्चा हुआ था मूवी को बनाने में मगर केवल 232 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था इस मूवी का। ये फिल्म बहुत जल्द ही लोगों के दिलों में बस गई और एक अलग ही छाप छोड़ दी। आज भी ये मूवी टीवी और मूवी हॉल्स में रन होती है और इससे भी इसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। तमिल गजनी में मेडिकल स्टूडेंट के किरदार में नेहरा को कास्ट किया गया था और कैरेक्टर का नाम था चित्रा था और प्रदीप रावत का ही डबल रोल था एज राम एंड लक्ष्मण जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क लीड था। एंड सीन्स में दिखाया गया था कि संजय को मारने के लिए लक्ष्मण का ट्विन ब्रदर जो कोलकाता में रहता था वो भी लौट चुका था और दोनों भाई साथ मिलकर संजय को ढूंढ रहे थे। जब लक्ष्मण और संजय के बीच फाइट हुई थी तो संजय ने अकेले ही सबको ढेर कर दिया था और ये देख राम उससे फाइट करने आता है मगर राम और लक्ष्मण ट्विंस होते हैं। इसकी वजह से संजय की मेमोरी लॉस हो जाती है और मौके का फायदा उठाकर दोनों मिलकर उस पर अटैक करते हैं। लास्ट मोमेंट में चित्रा के इंकरेजमेंट से संजय अपने आप को रीगेन करता है और दोनों ट्विंस का दी एंड करता है। इसके बाद जब संजय चित्रा को उसकी हॉस्टल ड्रॉप करता है तो क्रॉसिंग में एक छोटी बच्ची उसे देखकर मुस्कुराती है और ये देख संजय भी मुस्कुरा उठता है। वहीं अगर हम बात करें हिंदी गजनी की तो उसमें गजनी का कोई ट्विन ब्रदर नहीं दिखाया गया था। एंड मोमेंट में सुनीता ने संजय को याद कराने में मदद की कि कहा गजनी का अड्डा। जब संजय वहां पहुंचा था तो गजनी के आदमियों को पूरी तरह से पीटता है मगर इसी दौरान संजय फिर से अपनी मेमोरी खोना शुरू कर देता है और मौके का फायदा उठाकर गजनी संजय को पीछे से चाकू घोंपता है और ठीक
जिस तरह उसने कल्पना का मर्डर किया था उसी तरह सुनीता के मर्डर के लिए रॉड उठाता है और तभी संजीव की याददाश्त लौट आती है और वो उसी रॉड से गजनी को मार देता है। इसके 6 साल बाद गजनी एक ऑर्फनेज में कल्पना नाम की बच्ची से मिलता है और अपनी कल्पना के यादों में डूब जाता है। तभी सुनीता आकर संजय को उसके और कल्पना के सीमेंट के फुट इंप्रेशन को गिफ्ट करती है। गिफ्ट को देखकर संजय अपने पीछे कल्पना को फील कर पाता है। तो कुछ इस तरह से चेंज हुआ था हिंदी गजनी का क्लाइमेक्स सीन, जो एक ओपन एंडेड रहा और हमारा लिए बहुत ही सारे सवाल छोड़ दिए। तो आप भी हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या होगा कल्पना का किरदार, क्या एक दूसरी लव स्टोरी शुरू होगी गजनी 2 में, क्या बदल जाएगा आमिर का वो लुक। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।